Hey, good morning. Good morning. मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ नाश्ता लेकर आया हूँ. इसमें कुछ फ्रूट्स भी हैं. अंदर मिस्टर रिफात होंगे, आप उन्हें ये दे दीजिएगा प्लीज. जी हाँ. देखिए, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम से जाना है तो मैं तो उन्हें ये दे नहीं पाऊंगा, आप दे दीजिएगा. थैंक यू. क्या हुआ मिस्टर सीजर? हाँ बोलो. गुड मॉर्निंग, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, हम जॉगिंग कर रहे हैं. चलो ये तो अच्छी बात है. तुम आओगी क्या? क्या तुम पुलिस स्टेशन में हो? हाँ वहीं पर. कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं. ठीक है तो मत आओ. अगर मेरा भाई आएगा तो मैं भी आऊंगी. ठीक है तो मैं तुमसे घर आकर बात करता हूँ. क्या? ठीक है, सी यू. मत जाओ नहीं तो अपसेट हो जाओगी. ये वर्कर्स वाला मामला खत्म करते हैं, ऑर्डर्स टाइम पर भेजने हैं. मैं निकल चुका हूं सुहान, और मैं ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के रास्ते में हूं, बस पहुंचने ही वाला हूं. इसके अलावा एक और अजीब बात है. कल रात जब मैं पापा से मिला तब वो बहुत अपसेट थे और उन्होंने मुझसे भी ठीक से बात नहीं की थी. लेकिन जब आज सुबह मैंने उन्हें देखा तो वो बहुत खुश थे. पता नहीं ये सब कैसे हुआ और रात में उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनका मूड चेंज हो गया.
सॉरी सॉरी, माफ करना। उलिया बचाओ, उलिया रुक जाओ, उलिया उलिया प्लीज रुक जाओ, इस आदमी को रोको, बचाओ प्लीज रुक जाओ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, उलिया पुलिस को फोन कीजिए, ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज पुलिस को फोन कीजिए। क्या हुआ मैडम? हाँ मैं देखता हूँ। प्लीज छोड़ो मुझे रुकिए रुकिए, हाँ रुकिए सर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज, मुझे एक मिनट रुकिए सर, शांत हो जाइए, बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे उससे मिलने दो। सुनिए, आप उस औरत का पीछा क्यों कर रहे थे, बताइए मुझे जल्दी। बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ ऑफिसर। सब ठीक है, लेकिन बेहतर होगा अगर पुराने वर्कर्स वापस आ जाएंगे ना, आई मीन नए वर्कर्स को सिखाने से अच्छा है कि पुराने वर्कर्स को मना लिया जाए। कुरान आंसर क्यों नहीं कर रहा? मैंने कुछ नहीं किया जबकि मेरी लाइफ तो उस औरत ने खराब कर दी है। आपको पता है वो औरत कितनी घबराई हुई थी, आप उसके पीछे क्यों भाग रहे थे? बहुत दिनों से उसकी तलाश में हूँ, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है? सब सुनेंगे, पहले आप शांत हो जाइए। समझ नहीं रहे आप, नहीं जानते कि आखिर बात क्या है, आपको पता है उस औरत ने मेरे साथ? वो सब तो ठीक है लेकिन तुम उसका पीछा क्यों? पीछा नहीं कर रहा हूँ। देखो शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, मैंने मैसेज भेजा था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हें वॉइस मैसेज भेज रहा था तभी मैंने उस मक्कार औरत को देखा, लेकिन वो नर्स? हाँ सुहान, और तुम्हें पता है वो, अरे वो हाँ, क्या हुआ? वो मेरी कार है, रुको कोरहान। मैंने कहा रुको, प्लीज रुको, ये मेरी कार है कोरहान। क्या ये पेंटिंग्स तुमने ली थी? हाँ, ये पेंटिंग्स मेरे फ्रेंड की फैमिली को बिलोंग करती है, मैंने इन्हें तहसीन कोरलुदा के निशानतसी वाले घर से लिया। तो आप एडमिट करते हैं कि आपने चोरी की है? असली चोर तहसीन कोरलुदाग है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ना सामने, इसमें मेरे दादाजी और मेरी दादी की तस्वीर है। इस तस्वीर को मेरे पापा ने पेंट किया था, और ऐसी और भी तस्वीरें हैं जिन्हें उन्होंने पेंट किया था। और ये जो पेंटिंग्स हैं, ये चेंगल कॉय नाम के एक मैंशन में लगा हुआ था, और वो मैंशन भी मेरे पापा के नाम पर है। मैंने सोचा कि आपको ये सब बता देना चाहिए। क्या चल रहा है मेरी बहन? अब तक तो सब कुछ ठीक है और आगे भी अच्छा होगा। Welcome, thank you. ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता क्या करने आई है, शायद जले पर नमक छिड़कने आई हूँ। मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये तो बस शुरुआत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये पेंटिंग्स दोनों साइड्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, मगर तहसीन कोल्लूदाग ने रॉबरी की कंप्लेन की। उनका आर्ग्यूमेंट है कि ये पेंटिंग्स उनकी फैमिली से बिलोंग करती हैं। सर देखिए, मेरी बात मानिए, वो झूठ बोल रहा है, उसकी कोई फैमिली थी ही नहीं। दरअसल तहसीन एक ऑर्फनेज में पला पड़ा है, और वो मेरे डैड से तब मिला था जब वो आर्मी में थे। आप देख सकते हैं फाइल्स में सारी डिटेल्स हैं मिस्टर प्रोसिक्यूटर। आई अंडरस्टैंड, पर एक और मैटर है, बिना परमिशन के किसी के घर में घुसना, ये सर ये चीजें उस घर की हैं ही नहीं। मुझे इंटरप्ट मत करो, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो पेंटिंग्स जो उस घर की दीवार पर थी, वो बिना ओनर के परमिशन के वहाँ से उठाई गई। देखिए मैं मानता हूँ गलती मेरी थी, और मैं उस गलती की सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको सारी सच्चाई का पता चल जाए, इसीलिए मैंने आपको जो एक एक बात थी वो बता दी है। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। देखिए मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको बताने के लिए कुछ है ही नहीं। ओके थैंक यू सो मच। मिसेस मेहरबान सबको कॉल कर रही हैं, अगर ग्लास वर्कर्स आ गए तो काम हो जाएगा ना, बाकी अगर कोई काम हो तो हम कर लेंगे, जैसे कि बॉटलिंग और पैकिंग वगैरह। और वैसे भी उनमें से ज्यादातर वर्कर्स के रिलेटिव्स तो उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं। सुना तुमने, मिसेस स्वान को बता दो। क्या हुआ, तुम भूतों को फोन कर रहे हो? क्या मेरी बहन अकेले काफी नहीं है? नहीं तासिन, हम भूतों को लात मारने ही वाले थे कि तब तक तुम आ गए। तुम मेरा वेट करते करते थक जाओगी, समझी क्या है? मजाक अच्छा कर लेते हो।
मेरा हैंडसम सन इन लॉ भी यहाँ पर है। हाँ वो तो आया ही है, लेकिन तुम्हें भी मजबूरन यहाँ पर घसीट लाया है। मिस्टर दासन, हेलो मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं हूं तासिन कोलुदाग। बैठिए। ये जानते हुए भी कि तुम्हारे डैड ने सुइसाइड किया था, तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम मिस्टर तासिन को फंसाना चाहते हो। रिलैक्स मिसेस अदालत, मैं उस बारे में भी जरूर बात करूंगा, आपस देखती जाइए। देखिए मिस्टर कोलुदाग, आपको यहां उस कंप्लेन के लिए बुलाया गया है जो आपने 24 नवंबर को की थी। हमारी कल की रेड में हमें वो पेंटिंग्स भी मिली जो आपकी कंप्लेन के अकॉर्डिंग आपके निसंतासी के घर से चोरी हुई थी और जो आपकी फैमिली की पेंटिंग्स हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये आपकी पेंटिंग्स हैं? मेरे पास इसकी दो कॉपीज हैं, पर ऑब्वियसली वो ओरिजिनल नहीं है। और ये? मैंने इसे कभी नहीं देखा। आर यू श्योर ये आपकी नहीं है? बिल्कुल नहीं। कहाँ है वो? अंदर है क्या? हेलो हेलो, एक मिनट, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। सॉरी मैं लेट हो गया। सुतासीन, आपके खिलाफ बहुत से एक्यूजेशंस हैं और इनमें से हर एक एक्यूजेशन का अलग केस बनेगा। आपकी परमिशन हो तो मैं सिचुएशन क्लैरिफाई करना चाहूंगा मिस्टर प्रोसिक्यूटर। मेरे क्लाइंट एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन और रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन है। इस रॉबरी ने इन्हें बहुत अपसेट कर दिया है, पर ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम केस ड्रॉप करना चाहते हैं, हम कंप्लेन विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि पेंटिंग्स चोरी नहीं हुई थी। वो पेंटिंग्स घर में ही थी जो मेरे क्लाइंट को अब मिल गई हैं। मेरे क्लाइंट कोर्ट को इस बारे में इन्फॉर्म करना भूल गए थे। इंटरेस्टिंग, ये झूठ बोल रहे हैं सर। मैंने खुद ये पेंटिंग इनकी दीवार से उतारी थी। देखिए ये रहा प्रूफ। ये तो फोटो मोन्टाज है, ये तो किसी भी दीवार पर हो सकती है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, हम डिमांड करते हैं कि और इन्वेस्टिगेशन हो, और हम चाहते हैं कि इसे क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट किया जाए, और हम डिमांड करते हैं कि लैक ऑफ रीजनेबल ग्राउंड की वजह से इस केस को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। ये तो सिर्फ शुरुआत है। हाँ थैंक गॉड, सच में ये तो बस एक शुरुआत है, अब आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। फाइल कोर्ट में जाएगी, अभी तो आगे और इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। हाँ लेकिन अभी के लिए तो वो 1-0 से जीत गए हैं। डैड कैसे हैं? ये मत पूछो, मेरे लिए बताना मुश्किल है। तो आखिरकार आप आजाद हैं मिस्टर रिफत? नहीं, वो कोर्ट केस खत्म होने तक ही आजाद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। प्लीज स्टॉप इट, अभी हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब बस हमें ये साबित करना होगा कि वो सारी पेंटिंग सिर्फ हमारी हैं, तासीन की नहीं। लेकिन अभी तक हमारे पास उसके गुनाहों का कोई भी सबूत नहीं है। मैं जल्द ही जेल से छूटने वाला हूं और तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। ऑनेस्टली मैं चाहूंगी कि तुम हमेशा मेरे कर्जदार बने रहो। सीजर कोर्ट में सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं सुहान, मुझे तो इसमें कोई चाल नहीं नजर आ रही। अगर इन सबके पीछे कोई चाल होती तो वो कोर्ट जाते ही क्यों, तुम ही सोच कर देखो।
क्या बात है, कोर्ट से कोई न्यूज लेकर आए हो क्या? फाइनली तुम अपने बिल से बाहर आ ही गए। मैं तुम्हारे लिए वर्कर्स ढूंढ रहा था। जेंटलमैन, लेफ्ट वाले कॉरिडोर से जाइए। थैंक यू। मेरे पास आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पता नहीं मेरे डैड के साथ मिलकर तुमने क्या क्या प्लानिंग की है। हाँ, डैड ने ही तुम्हें किडनैप करवाया था, ये मुझे बाद में पता चला। तुम्हारी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए मैं बाद में इस प्लान का हिस्सा बना। चाहो तो अपने डैड से पूछ लो। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। आंटी, आप फार्म हाउस पर चले जाओ, वो लोग आते ही होंगे। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तो तुम्हारी बात हो ही गई? हाँ, हो गई। नाज़लीन ने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया ना? हाँ, ये जल्दी किसी नई जगह पर एडजस्ट नहीं हो पाती, ये भी मेरी तरह ही है। तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल, अभी के लिए। ट्रायल की पहली डेट 16 फरवरी है। हाँ ठीक, तुम्हारे बर्थडे के 2 दिन बाद। मैं वहां नहीं होंगी। लेकिन क्यों? मेरे कॉलेज के एक दोस्त है पैट्रिशिया, वो ब्राजील से आ रही है, उसके साथ कुछ प्लान्स हैं।
यानी कि तुम अपना बर्थडे और अपना वैलेंटाइंस दोनों मेरे बिना सेलिब्रेट करोगी, है ना? मैंने आज तक वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं किया है, बस मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे फैमिली के साथ डिनर पे। अच्छा, इसीलिए तुम भाग रही हो? नहीं, मैं भाग नहीं रही हूँ, कोइंसिडेंटली पेट्रिशिया भी उसी दिन आ रही है। अगर प्रॉब्लम ना हो तो हम भी एक फैमिली की तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। देखते हैं। मुझे 14 फरवरी तक बहुत सारे काम खत्म करने हैं, ये टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं हेल्प कर दूंगा।